हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मैं तीन बहुत ही खूबसूरत साइट DIY जो कि बीच थीम रिलेटेड है। तो ये मैं पूरा का पूरा जो वेस्ट कार्डबोर्ड से बना के तैयार की हुई हूँ। तो फिर चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक कार्डबोर्ड ले ली हूँ। आप यहाँ पर कोई भी टाइप का कार्डबोर्ड ले सकते हैं। कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा मोटा वाला लीजिए। मैं यहाँ पर कार्डबोर्ड के ऊपर फीस शेप में यहाँ पर मैं ड्रॉ कर ली हूँ पेंसिल की हेल्प में से। उसके बाद मैं इसको काट लूँगी क्राफ्ट नाइफ की हेल्प में से। आप चाहे तो सीजर की हेल्प में से भी काट सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे ले ली हूँ थोड़ा सा टिश्यू पेपर और एक कटोरी में थोड़ा सा फेविकॉल और वाटर का एक मैं यहाँ पर सॉल्यूशन तैयार करूँगी। देखिए कुछ इस तरह से एक ठीक सा सॉल्यूशन आपको तैयार करना होगा। उसके बाद मैं इसको ब्रश के हेल्प में से अच्छे से मिला लूँगी, जैसे कि ये आपस में अच्छे से मिल जाए, लम्स एकदम भी ना रहे। अभी हमारा जो फीस का जो शेप हम काट के रखे थे उसके ऊपर ये सॉल्यूशन को हमको अप्लाई करके अभी यहाँ पर टिश्यू पेपर को देखिए कुछ इस तरह से चारों तरफ से अच्छे से कवर कर देना है, ताकि यहाँ पर जितना सारा जो एड जो हमारा दिख रहा था ओपन वाला वो अच्छे से कवर हो जाए। आप इसके बदले चाहे तो मास्किंग टेप का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए अभी ये तैयार हो चुका है। मैं इसको सूखने के लिए एक दिन पूरा छोड़ रखी थी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले ली हूँ वॉल पुट्टी, फेविकॉल और वाटर का एक ठीक सा मिक्सचर और इसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगी। देखिए मैं यहाँ पर एक पैलेट नाइफ के हेल्प में से अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहें तो फिंगर के हेल्प में से भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर एक से दो कोट अच्छे से लगा लूँगी और उसके बाद इसको मैं 24 आवर के लिए सूखने के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद देखिए अच्छे से पूरा सूख चुका है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले लूँगी एक पॉलिश पेपर। ये आपको कोई भी हार्डवेयर शॉप में एकदम आसानी से मिल जाएगा। अभी ये पॉलिश पेपर के हेल्प में से मैं यहाँ पर जितना सारा अनइवन एरिया था फीस के ऊपर साइड में या फिर साइड एडजेस में थोड़ा थोड़ा सा मतलब शार्प जो भी एडजेस था आपको इसको अच्छे से क्लीन करना होगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पर इसके ऊपर कलरिंग करूँगी, जैसे कि मैं आप लोग के साथ शेयर की हुई हूँ पहले ही। मैं यहाँ पर बीच थीम बेस आज का हमारा जो DIY है सारा का सारा वही आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। तो उसी रिलेटेड मैं यहाँ पर कलरिंग भी मैं यहाँ पर चूज की हुई हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर चॉक पेंट यूज कर रही हूँ, जैसे कि सी थीम में रहता है ब्लू ग्रीन, तो वही रिलेटेड मैं यहाँ पर सारा का सारा कलर अप्लाई करूँगी। ग्रीन का बहुत सारा कलर और ब्लू का भी बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट कलर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी। देखिए कुछ इस तरह से। और अभी यहाँ पर मैं कोई भी बेस कोट नहीं दी हुई हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो बेस है वो ऑलरेडी व्हाइटी था। तो आप यहाँ पर चाहे तो बेस कोट भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर स्किप की हुई हूँ। देखिए मैं यहाँ पर बहुत सारा कलर यहाँ पर ली हुई हूँ, बहुत ही सुंदर सुंदर क्यूट क्यूट सा कलर मेरे पास जितना सारा था मैं यहाँ पर ली हुई हूँ। कुछ मैं मिक्स एंड मैच करते हुए बहुत सारा कलर शेड भी मैं यहाँ पर बनाई हूँ। तो कलर ऑप्शनल एकदम आपके ऊपर है, तो आप एक्रिलिक कलर या फिर चॉक पेंट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी सारा का सारा कलरिंग वाला काम ख़त्म हो चुका है। मैं यहाँ पर जितना सारा कलर दी हुई हूँ, आपका कौन सा वाला कलर फेवरेट है मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले ली हूँ हाफ कट वाला पर्ल बीड। अभी इसके जो हम जो मछली बना के रखे थे उसके ऊपर मैं यहाँ पर आइस बनाने के लिए ये वाला अभी मैं जो पर्ल को यहाँ पर स्टिक करते जाऊँगी। देखिए कुछ इस तरह से इसको स्टिक करने के लिए मैं यहाँ पर फेविकॉल का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो फेविबॉन्ड या फिर क्राफ्ट ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी इसको हम वॉल में हैंग करने के लिए मैं यहाँ पर वही एक ब्लू कलर का एक उलेन ले ली हूँ। अभी इसको मैं स्टिक करते जाऊँगी हॉट ग्लू गन के हेल्प में से। आप चाहे तो फेविकॉल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हॉट ग्लू गन जो है वो इंस्टेंटली स्टिक हो जाता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर दो टाइप का बीड ले ली हूँ, इसको भी मैं अटैच कर लूँगी उलेन में। अभी एक एक करते हुए सारा का सारा फीस मैं यहाँ पर स्टिक करती जाऊँगी उलेन में। और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से आप फिंगर का यूज़ मत कीजिए, ये हॉट ग्लू गन जो है बहुत ही गर्म ही रहता है। अभी इसको पीछे साइड से भी अच्छे से सिकर करने के लिए मैं एक एक पेपर को अच्छे से स्टिक कर लूँगी, ताकि ये अच्छे से बहुत दिन तक ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। तो यहाँ पर हमारा जो पहला पहला वॉल हैंगिंग है ये बनके एकदम तैयार हो चुका है। तो फिर चलिए मैं आपको इसका जो फाइनल लुक है अभी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फिर आप लोग को ये कैसा लगा मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, तो अभी हम बढ़ते हैं हमारा सेकेंड DIY के लिए। उसके लिए मैं यहाँ पर वही सेम प्रोसेस से मैं यहाँ पर और तीन फीस बना ली हूँ, लेकिन इसका जो शेप और साइज है ये थोड़ा सा अलग है। उसके ऊपर मैं यहाँ पर डाल दूँगी येलो चॉक पेंट
और दो में और दो डिफरेंट कलर में यहाँ पर डाल दूँगी। अभी इसको कम्प्लीटली मैं सूखने के लिए भी छोड़ दूँगी। उसके बाद इसके ऊपर हम बहुत ही सिंपल सा हमारा यहाँ पर जो है DIY करेंगे, ये बहुत ही सिंपल है। अभी ये सूख गया है प्रॉपरली। इसके ऊपर अभी हमारा जो ये जो फीस का आई है, अभी मैं इसको जो पेंट ब्रश के जो पीछे वाला एरिया है उसके हेल्प से मैं यहाँ पर बना लूँगी, देखिए कुछ इस तरह से। और साइड से थोड़ा थोड़ा सा मैं यहाँ पर जैसे शेडिंग डालूँगी व्हाइट कलर के हेल्प में से, देखिए कुछ इस तरह से। लेकिन आप इसको कम्प्लीटली स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये शेडिंग डालने से थोड़ा सा ये अलग सा लुक आएगा, क्योंकि ये पहला वाला जो हमारा DIY है और ये भी मतलब सेम टू सेम लगेगा, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको डिफरेंट करने के लिए कोशिश की हुई हूँ। अब यहाँ पर ये जो 3 फीस है एकदम रेडी हो चुका है, बस इसको मैं स्टिक करूँगी ये कॉटन रोप के हेल्प में से। आप चाहे तो यहाँ पर जूट रोप का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको भी मैं सेम यही हॉट ग्लू गन के हेल्प में से अच्छे से स्टिक कर लूँगी और उसको पीछे साइड से और एक एक पेपर में यहाँ पर अटैच कर लूँगी। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। तो ये वाला आइडिया आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी हम बढ़ते हैं हमारा थर्ड और लास्ट डे के लिए। उसके लिए मैं यहाँ पर ले ली हूँ, देखिए कुछ इस तरह से मेरे पास वुडन पीसेस था बहुत सारा, और इसको मैं फ्रेम शेप में बनाने के लिए मैं यहाँ पर मुझे जो साइज मुझे अच्छा लगा मैं वही साइज यहाँ पर मैं काट के इसको हॉट ग्लू गन के हेल्प से अच्छे से स्टिक कर लूँगी चारों तरफ से, देखिए कुछ इस तरह से। आप चाहे तो फेविकॉल का भी यूज़ कर सकते हैं, ये वुडन है तो ये अच्छे से एकदम मतलब स्ट्रांगली इसका जो बॉन्डिंग है अच्छे से पकड़ जाएगा, तो आप फेविकॉल का भी यूज़ कर सकते हैं डेफिनेटली। नेक्स्ट मैं यहाँ पर एक कार्डबोर्ड ले लूँगी, यही जो हमारे जो फ्रेम बना के रखे हुए थे उसके साइज़ में अच्छे से हम मेजर करके एक कार्डबोर्ड ले लेंगे और इसको अच्छे से हम चारों तरफ से कवर कर लेंगे। वही फेविकॉल और वाटर का सॉल्यूशन हम तैयार करेंगे और टिश्यू पेपर के हेल्प में से अच्छे से इसका चारों तरफ हम अच्छे से कवर कर लेंगे, ताकि हमारा जो एज है और जो ओपन एरिया है कार्डबोर्ड का वो ना दिखे हमको। ऐसे ही करते हुए मैं सारा का सारा जो यहाँ पर टिश्यू पेपर स्टिक करते जाऊँगी, जैसे कि मैं पहले भी बताई हूँ आप लोग के साथ, आप टिश्यू पेपर के बदले मास्किंग टेप का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर सारा का सारा टिश्यू पेपर अच्छे से स्टिक कर लूँगी। टिश्यू पेपर लगा देने के बाद इसको कम्प्लीटली आप 5 से 6 घंटा सूखने के लिए प्रॉपरली छोड़ दीजिए। अभी गर्मी है तो बहुत जल्दी से सूख जाता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले ली हूँ वाटर फेविकल और वॉल पुट्टी का एक थिक सा पेस्ट और इसको अप्लाई करूँगी मैं, देखिए कुछ इस तरह से कार्डबोर्ड के ऊपर पैलेट नाइफ के हेल्प में से। आप चाहे तो फिंगर के हेल्प में से भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे मैं यहाँ पर भी फिंगर के हेल्प में से भी थोड़ा थोड़ा अप्लाई की हुई हूँ, क्योंकि ये जो इसका जो सरफेस है काफ़ी बड़ा था तो मुझे लगा कि फिंगर के हेल्प में से करूँगी तो ये थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो जाएगा। यहाँ पर जो पेस्ट तो हम जो अप्लाई कर रहे थे ये कम्प्लीटली अप्लाई कर देने के बाद इसको कम्प्लीटली आप ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए 24 आवर के लिए। नेक्स्ट दिन मैं यहाँ पर ले ली हूँ जो सी थीम में हम जैसे कि बना रहे हैं, तो मैं यहाँ पर वही रिलेटेड यहाँ पर 3 कलर अप्लाई करूँगी। एक में थोड़ा सा ब्लू और उसके बाद थोड़ा सा लाइट ब्लू जो कि है शेड मिंट ब्लू यहाँ पर मैं ली हुई हूँ। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा व्हाइट भी मैं अप्लाई करूँगी, देखिए कुछ इस तरह से। आप शेडिंग मतलब किस तरह से करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं मतलब थोड़ा सा ड्राई ब्रश के हेल्प में से यहाँ पर शेडिंग भी बीच में डाली हूँ। अभी यहाँ पर हम जो फ्रेम बना के रखे थे इसको हम स्टिक कर लेंगे हॉट ग्लू गन के हेल्प में से इसके ऊपर। बस आपको ध्यान देना है हमारा जो हॉट ग्लू गन है वो एकदम अच्छे से गर्म हो जाए, उसके बाद इसको आपको स्टिक करना है। देखिए कुछ इस तरह से मैं पूरा चारों को चारों तरफ लगा देने के बाद इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर दबा के रखूँगी, देखिए हाथ के हेल्प में से। उसके बाद मैं यहाँ पर मेरे पास बहुत सारा सी सेल बहुत दिन से मेरे पास था, मैं इसको ख़रीद के लेके नहीं आई हुई थी, मेरे पास था क्योंकि मैं जब सी वी जाती हूँ तो थोड़ा थोड़ा सा कलेक्शन मैं कर लेती हूँ। और इसको भी मैं यहाँ पर एक एक करके स्टिक करते जाऊँगी हॉट ग्लू गन के हेल्प में से। तो देखिए कुछ इस तरह से मैं सारा का सारा जैसे स्टिक कर दूँगी, ये देखिए इसका जो लुक है मतलब कितना अच्छे से इनहांस हो जाए। मैं यहाँ पर 2 बनाई हूँ, मतलब 2 टाइप का सी सेल मेरे पास था तो मैं यहाँ पर 2 फ्रेम बनाई हूँ। तो आप लोगों को ये वाला जो आइडिया है आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइए। आज यहाँ पर जो मैं 3 वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की हुई, आप लोगों को कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो फिर मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।